अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों की तरफ से ये पूछा गया और अमूमन तौर पे स्पेन की में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास परमानेंट टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है, कुछ दोस्तों की तरफ से आता है कि PR है हमारे पास, कुछ के पास नेशनलिटी है और कुछ EU की भी बात करते हैं और तरक्की कम्युनिटारिया की बात करते हैं, तो हम क्या लक्समबर्ग में जा के काम कर सकते हैं? यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, ना सिर्फ शेंजन, बल्कि पूरी दुनिया में लक्समबर्ग ऐसा मुल्क है जिसका सैलरी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दुनिया के टॉप ममालिक में आता है जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं लक्समबर्ग में जाके काम करने के लिए। यही वजह है कि स्पेन से भी काफ़ी दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं और पूछते हैं गाहे बगाहे कि हम कौन से स्टेट्स में जाके स्पेन में काम कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूँगा कि हम स्पेन के कौन से स्टेट्स में लक्समबर्ग में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर टेम्परेरी रेजिडेंसी है आपके पास और आपके पास PR भी नहीं है, EU कार्ड नहीं है, तरखे तक कम्युनिटारिया नहीं है या आपके पास स्पेन की नेशनलिटी नहीं है, तो यहाँ पे यही बैड न्यूज़ है कि टेम्परेरी रेजिडेंसी पे आप लक्समबर्ग में जाके काम नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है PR की, PR को आपको कन्वर्ट करवाना होगा EU कार्ड में, और तरखी तक कम्युनिटारिया जो है वो EU कार्ड और तरखी तक कम्युनिटारिया का तकरीबन लक्समबर्ग में काम करने के लिहाज से स्टेटस एक जैसा ही है। आप इन दोनों सूरतों में वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना होगा, उसकी बेस पे आप वहाँ पे टैक्स नंबर इशू करवाएंगे और वहीं पर आप उस टैक्स पे वहाँ पर टैक्स की अदायगी करेंगे और साथ काम करेंगे। इसी तरह सेम नेशनलिटी पे, अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, आप इसी तरह से सेम यही प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। ये याद रखें कि लक्समबर्ग यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर मुल्क है और शेंजन मुल्क भी है। तो तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालक और शेंजन ममालक जिनके पास उस मुल्क की नेशनलिटी है, वो वहाँ पर जाके लीगली काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।